सबसे पहले स्मार्ट पीएलएस को खोलना। ये सबसे पहले चूज वर्कस्पेस। वर्कस्पेस आप अपने लैपटॉप के ऊपर किसी भी जगह पर कोई भी कोई डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे मैं हम एक फोल्डर एक नया फोल्डर खोलते हैं। स्मार्ट पीएलएस सेलेक्ट किया। अब ये इंटरफेस है। इसके बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट करना है। वैसे तो हमारे पास यहाँ सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। इसका नाम मैंने रखा ट्रिपल ए, क्रिएट किया। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई, इंपोर्ट डाटा एंड क्रिएट मॉडल। इंपोर्ट डाटा किया, हमारे पास स्मार्ट पीएलएस 4 जो है वो कोई भी डाटा स्पेसेस का भी खोल लेता है। उन्होंने दिया है CSV, TXT, XLS, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। ये हमने इसको स्पेसेस को जो है ना डाटा फाइल सेलेक्ट की, ये डाटा आ गया, इसको इम्पोर्ट किया, ये डाटा आ गया, मैंने बैक किया। अब यहाँ पे ये डाटा भी आ गया। अब क्रिएट मॉडल, क्रिएट मॉडल किया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रिपल ए के अंदर इसकी टाइप जो है सेलेक्ट की, मॉडल टाइप PLSSCM, और इसका नाम रखा जैसे टेस्ट, मैंने इसका नाम रखा, सेव किया। अब यहाँ पे वो फाइल खुली नहीं आ रही, जगह बन गया। यहाँ पे हमने मॉडल जनरेट करना, डबल क्लिक किया, एक हमारे पास ये फाइल खुली, एंटर किया, दोबारा यहाँ क्लिक किया, दूसरा हमारा वेरिएबल है AC, एंटर किया, तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हमने उसको रखा, पांच छः स्टेटमेंट्स हैं, इनको उठा के ड्रैग करके यहाँ से छोड़ा। AC की 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनको सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, AC पे छोड़ा। AP की 6 स्टेटमेंट्स हैं, उनको सिलेक्ट किया, ड्रैग करके AP पे छोड़ा। अब सिलेक्ट को किया क्लिक, LMX, इसकी यहाँ पर डायरेक्शन स्टेटमेंट्स की मैंने लेफ्ट पे कर दी, इनको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर को कर दी, और ये ऐसे ही ठीक है। अब हमारे पास सेलेक्ट के बाद है कनेक्ट, कनेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इस वेरिएबल को खींचा, फिर इसको इसको कनेक्ट किया। ये हमारे पास दोनों, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मीडियाटर और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने इसको सेव किया, कैलकुलेट, कैलकुलेट में सबसे PLSSCM किया, और इसमें जो मेजरमेंट मॉडल जो है इसको हम जनरेट करेंगे। सेलेक्ट स्टार्ट कैलकुलेशन, ये इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट, जो कैलकुलेशन होगी ये सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये वो डिफरेंट चीज़ें आउटपुट्स हैं जैसे पाथ कोफिशिएंट, डायरेक्ट इफेक्ट वगैरह। इसको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर, एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। ये इसका नाम मैंने रखा क्विज टेस्ट 01, मेजरमेंट मॉडल का आगे सेव किया। उसके बाद ये डाटा एक्सपोर्ट होके चला गया एक्सेल में, ये एक्सेल में डाटा खुल गया। ये सारे यहाँ पे नेविगेशन और कंप्लीट, नेविगेशन से हमें पाथ कोफिशिएंट, इंटरेक्ट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, जैसे आर स्केयर की वैल्यू देखना हो तो यहाँ से हम देखेंगे आर स्केयर की वैल्यू। आर स्केयर की वैल्यू जो है यहाँ पे AC और EP दो मॉडल्स थे, दोनों के लिए आर स्केयर की और ये एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू आ गई। अब हमने दोबारा स्मार्ट पीएलएस में गए और इसको एडिट बैक किया, बैक दोबारा कैलकुलेट, यहाँ पे बोर्ड स्ट्रैपिंग, ये दूसरा हमारा स्ट्रक्चर मॉडल है, इसको स्टार्ट कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट हो गया, रिजल्ट्स आ गए। इसको भी एक्सेल में कन्वर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, इसका नाम 02 रखा मैंने, क्विज टेस्ट 02। ये फाइल खुल गई, इसमें नेविगेशन कंप्लीट। नेविगेशन से हम देख सकते हैं ये जो हमारा दूसरा मेजरमेंट मंडी वाला नेविगेशन देखें हम, तो ये देखिए इसमें क्वालिटी क्राइटेरिया जो है, क्वालिटी क्राइटेरिया में आर स्केयर, एफ स्केयर, स्ट्रक्चर लाइबिलिटी वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, लीनियरिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। और दूसरा जो मेजरमेंट मॉडल है, स्ट्रक्चर मॉडल है, यहाँ पे हम पाथ कोफिशिएंट, टोटल इंडायरेक्ट इफेक्ट, स्पेसिफिक इंडायरेक्ट इफेक्ट्स वगैरह, ये सारे हम जब इसको कलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस तरफ ले जाएगा। जैसे ये स्पेसिफिक जो इंडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, जो LMX का AC पर, AC का EP पर जो इफेक्ट आ रहा है, ये उसके बारे में बता रहे हैं, इसकी पी वैल्यू 3.89 आ रही है, इसका इफेक्ट कितना है वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से ये नेविगेशन से हम देख सकते हैं।